Very good morning to all of you. Now we have to start chapter 3, trigonometric 2, trigonometric part 2. Trigonometric part 2, part 1 we have done in last lecture. Then now we have to do trigonometric 2. Trigonometric 2 of chapter 3. First of all, what is trigonometric 2 concept? What is the concept? What is the points include in trigonometric 2? First one, trigonometric function of sum and difference. यहाँ पे ध्यान रखिए, trigonometric function sum and difference. यहाँ पे मतलब ये sum and difference of angle. पहले तो ये मैं बता दूँ, जैसे आप sin a लिखिए, ये trigonometric function, तो जैसे ये part angle कहलाता है. जैसे cos b, ये पार्ट एंगल पार्ट कहलाता है. तो यहां क्या बोल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस, मतलब इन दोनों का सम एंड इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस बोला है ना, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, मतलब एंगल का सम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम नहीं, एंगल का सम. सपोज एंगल इज गिवन बाय ए एंड बी, ए एंगल एंड बी एंगल, देन वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ए प्लस बी है ना, या प्लस माइनस लिख सकते हैं, एन कॉस ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी, या फिर टेन ए प्लस माइनस बी, या फिर कॉट ए प्लस माइनस बी, इट इज. मतलब यहां पर सम, सम भी हो रहा है और डिफरेंस भी हो रहा है, सम भी हो रहा है डिफरेंस भी हो रहा है, सम भी हो रहा है डिफरेंस भी हो रहा है, ठीक है. तो मैंने एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, मतलब एक ही लाइन में, एक ही फंक्शन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के फॉर्मूले, जैसे यहां पर हम लिखते हैं साइन ए, साइन ए प्लस बी का क्या है, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है. अब ये प्लस का है, माइनस का क्या है, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए साइन बी. तो हमने प्लस माइनस लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस लिख दो. प्लस के लिए प्लस एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट के लिए फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, सेकंड के लिए सेकंड एग्जीक्यूट होगा, गॉट इट. तो यहाँ पर प्लस माइनस, प्लस माइनस. अब यहाँ पे देखिए, जैसे कॉस का होता है कॉस ए कॉस बी, अब प्लस के लिए यहां माइनस आता है, तो हम पहले माइनस लिख देंगे, प्लस के साथ माइनस की एंट्री होगी और माइनस के साथ प्लस होगा, साइन ए साइन बी, मतलब साइन कॉस ए प्लस बी का भी आ गया, कॉस ए माइनस बी का भी कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, ये ध्यान रखिए. प्लस कॉस में प्लस के साथ यहां माइनस आता है, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा, यहां पे प्लस है तो यहां प्लस आएगा, यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा. सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी इंप्लीमेंट किया है हमने, वही कॉन्सेप्ट. तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल का सम एंड डिफरेंस जो कॉन्सेप्ट है, उसको इस फॉर्मूले से या इस आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है.
हमको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते समय ये आइडेंटिटीज ध्यान में रखना है एंड यूज करना है, यूज ऑफ दैम। वेन वी सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन वी हैव टू यूज दीज आइडेंटिटीज, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, मतलब ए प्लस बी। इसी फॉर्मूलेस को बोला गया है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले या आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इनका हम यूज करेंगे। एंगल का है, एंगल का सम एंड डिफरेंस को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने यहां पर दिया हुआ है और इसी पे बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टुडे वी हैव टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए कॉस बी, प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, एंड कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, माइनस प्लस साइन ए साइन बी, एंड टेन ए प्लस माइनस बी, टेन ए प्लस माइनस बी, वन माइनस प्लस टेन ए टेन बी, ये सब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इन आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको जो जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने लिया है जो आए हुए हैं, और फिर सिमिलर वे में अदर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट नाउ वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहां पे, सॉल्यूशन 1 upon 1, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। गिवन क्या है, साइन 15 वैल्यू निकालना है। लेट I इक्वल टू साइन 15, हमने ये अज्यूम कर लिया I साइन 15 है, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, I इक्वल टू क्या होगा, साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30। साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, एंगल के डिफरेंस और सम में, सम तो लिख नहीं सकते, तो डिफरेंस हमको साइन 45 माइनस 30। अब आप बोलोगे या एक थिंक आपके या क्यूरियोसिटी रहेगी माइंड में कि व्हाई आर वी टेकिंग 45 माइनस 30, व्हाई आर वी नॉट टेकिंग राइट नाउ 30 प्लस 15 या 30 माइनस 15। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये एंगल जो आपने देखा होगा टेबल में 0, 30, 45 डिग्री में आते हैं, एंड 60, 90, ठीक है, एंड 90 के बाद आ गया 180, ये इस टाइप के एंगल्स आते हैं कुछ। तो इसमें हमको जनरली देखना है कि इनके सम एंड डिफरेंस में दी गई वैल्यू सेट हो, मतलब दिया हुआ वैल्यू कौन सा है 15, तो अब देखना है यहां पे कि किसमें सेट हो सकती है। हाँ, इंस्टेड ऑफ दिस वन वी कैन टेक आल्सो 60 माइनस 45, फिर 15 आता और आंसर भी वही आता। तो यहां पे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट किया हमने, तो 45 माइनस 30 में हमको यहाँ पे ये मिल जा रहा है 15। तो यहाँ क्योंकि इनकी वैल्यूज हमको मालूम है साइन थीटा की, साइन 30 साइन 45, तो इसलिए साइन और कॉस और टेन के इस वैल्यूज के सम और डिफरेंस में गिवन वैल्यूज को हम डिफाइन कर लेते हैं, मतलब ब्रेक कर लेते हैं। इसका फॉर्म न्यू फॉर्म इस फॉर्म में आ गया, साइन 15 का न्यू फॉर्म कौन सा हो गया 45 माइनस 30। अब वी नो दैट वेरी वेल, वी नो दैट वेरी वेल अबाउट
identities of trigonometric function. Which one identity? Sin a minus b. अगर हम इसको a ले लें, इसको b ले लें, तो a minus b का है, तो sin a cos b minus cos a sin b. ठीक है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा sin a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. अब यहां पे वापस से साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू 3/2 माइनस. ठीक है, ये टेबल की है, ये टेबल में दिए रहते हैं वैल्यूज, ये आपको पहले ही अपन ने वी हैव सीन इन लास्ट चैप्टर. कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 1/√2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2√2 माइनस 1/√2. That means 2√2 to √3 minus 1. ये आ गया है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पे I equal to क्या था, by equation में. Therefore sin 15 equal to √3 minus 1 2√2. I की जगह वापस से sin 15 लिख दीजिए जो हमने लेट किया था, I equal to sin 15. तो ये एक पैटर्न है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सिंपल पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना. ये टेबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो sin थीटा cos थीटा sin और cos के लिए दिया जाता है ना, ये वैल्यूज ध्यान में रखना पड़ेगा और उस वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप करना. अब यहां पर सेकेंड प्रॉब्लम क्या दिया है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया है ना. सेकेंड प्रॉब्लम है, सेकेंड कॉन्सेप्ट 10 105 सॉल्यूशन 2. लेट आई इक्वल टू, ये एक अपना यहां पे खत्म हो जाता है. लेट आई इक्वल टू 10 105 डिग्री, 10 90 या आप इसको 60 + 45 लिख सकते हैं अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे. 60 और 45 का आ जाएगा, हमने क्या लिखा था यहाँ पे 0 30 45, ये सब डिग्री है, 60 90 एंड फिर पाई लिखा तो 180. तो हम इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे तो हमको 105 देंगे, तो इससे नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, इन दोनों से मिल जाएगा 60 + 45 105. तो हमने उसके सम एंड डिफरेंस में, सम एंड डिफरेंस कुछ भी आ जाए इनका, अगर वो वैल्यू आती है जो दी है तो उसका सेट हमको यहाँ पे पेयर लिखते हैं, सम और डिफरेंस के फॉर्म, सम और डिफरेंस के फॉर्म. तो यहां पे आप देखिए 10 10 60 + 10 45 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 60 इंटू 10 45. ठीक है, आई यहां पे देखिए I इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी होगी, √3. 1060 की वैल्यू √3 एंड प्लस 1045 की वैल्यू 1 एंड 1 माइनस √3 इंटू 1. देन I इक्वल टू
क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस वन, वन वाई रूट थ्री। देयरफॉर अब आई किस फॉर्म में अज्यूम किया था, टेन वन जीरो फाइव कौन, टेन वन जीरो फाइव इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन, वन माइनस रूट थ्री, ये आपका आंसर आएगा। तो कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ गया आपको प्रॉब्लम, कि हमको कैसे ब्रेक करना है दिए हुए एंगल को सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में। अब फिर इसका आइडेंटिटी लगा देगा, यहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा, मतलब टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी। यहां पे ये लिखना पड़ेगा जो हमने इसका यहां पे यूज किया है, ठीक है। इसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व, तो आप देखिएगा सिंपल आपके कॉन्सेप्ट, इसमें कंटिन्यू वन और टू प्रॉब्लम्स और कर लीजिए, इसमें से एक प्रॉब्लम आता है तो ये आपको बुक भी काफी बेनिफिशियल है। अब अपन आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन अप्रोक्स कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन प्रूव दैट, ठीक है, सिंपल इन्हीं का यूज करना है हमको और इसको सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में आप देख लेते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, सेकंड प्रॉब्लम में आपको प्रूव करना है सेकंड का, सेकंड का कॉस्ट ले लेते हैं हम, ठीक है, वी हैव टू प्रूव वन माइनस टेन एक्स वन, ये वन प्लस टेन एक्स, वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स एंड टेन पाई माइनस पाई बाय फोर माइनस एक्स। अब आप देखिएगा थोड़ा सा, एक यहाँ पे आपको रुक के दो मिनट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखना है, पढ़ना है प्रॉब्लम। इसमें आपको देखेंगे कि हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड इजी वे में ला रहे हैं, पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। देन वी हैव टू टेक नाउ राइट हैंड साइड, ठीक है, हम किसी भी राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लाएं या लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाएं, अल्टीमेट दोनों सेम आना चाहिए। दैट मींस गिवन एक्सप्रेशन इज प्रूव्ड, ठीक है। तो यहां पर टेकिंग राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, टेन फाइव बाय फोर प्लस एक्स टेन फाइव बाय फोर माइनस एक्स, ठीक है। यहां पर इसका ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये आ जाएगा होल डिवाइडेड। अब यहां पे कौन सा लगेगा, टेन ए माइनस बी का, टेन पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स वन प्लस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स। यहां पे आपको लिख देना है
जो हमने फॉर्मूला यूज किया है 10 प्लस माइनस 10 a प्लस माइनस b, दैट मीन्स 10 a प्लस माइनस 10 b, 1 माइनस प्लस 10 a 10 b, ये कॉन्सेप्ट आ गया। इसका हमने यहां पे यूज किया, देखो प्लस वाले का ऊपर यूज किया न्यूमरेटर में और माइनस वाले का डिनोमिनेटर में यूज किया। तो सिंपल कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, हमने दोनों फॉर्मूले को एक ही फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया है। आइडेंटिटी है, दिस वन इज द आइडेंटिटी। यहां पर अब 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 10x, यहां पे इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 एंड 1 माइनस या 10x, क्योंकि यहां पे इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, और फिर यहां 1 माइनस 10x, यहां पे भी 1045 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 10x, ठीक है। यहां पे आप लिख दीजिए 10 45 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब यहां पर ये देखो, ये न्यूमरेटर में इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर इसको हम ऊपर दिए और ये नीचे आ जाएगा, दैट मींस 1 प्लस 10 x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय 1 माइनस 10 x का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को एक साथ लिखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 x, 1 माइनस 10 x का होल स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया ना, देन हैंड रूट, क्लियर हुआ। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कि हमने लेफ्ट राइट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड मिल गया LHS, that means hence proved. ये proved करना था अपने को using this identities. Addition मतलब sum and difference वाली identity जो रहेंगी उसका use करके हमको ये proved करना है। ये 2 marks के लिए और 3 marks के लिए आता ही है आपको alternate years में। इसमें आप देख लीजिए equation, ये मतलब question number 2, ये फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर का। अब सेकंड वाला, सेकंड में जो दिया है उसको ध्यान से देखिएगा, इसको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा रिवर्स करके, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप भी अगर समझ में नहीं आया तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो दिया हुआ है हमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ये 2 है, सेकंड कॉस, वी हैव टू प्रूव कॉस 27 प्लस साइन 27 कॉस 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री इक्वल टू 1072 डिग्री। अब यहां पे देखिए हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड नहीं ला सकते, काफी क्रिटिकल ला तो सकते हैं पर काफी क्रिटिकल होगा। तो बेटर ये है कि सिंपल वे यूज करें, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला लें। तो कैसे होगा, टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस क्या दिया है कॉस 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री ठीक है कॉस 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री यहां पर देखिए अगर कॉस 27 से हम डिवाइड करें डिवाइडिंग न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 27 डिग्री वी गेट क्या जाएगा cos 27 से डिवाइड करेंगे cos 27 डिवाइड बाय cos 27 प्लस sin 27 डिवाइड बाय cos 27 डिवाइड बाय cos 27 cos 27 डिग्री माइनस साइन 27 डिग्री cos 27 डिग्री cos 27 से हमने इसमें लिखा cos 27 तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे अल्टीमेट आंसर क्या आएगा यहाँ 1 आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएंगे ये कैंसिल 1 ये कैंसिल 1 ठीक है 1 प्लस और ये इसका कितना हो जाएगा 10 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 थीटा होता है तो 10 27 और यहाँ पे 1 माइनस 10 27 क्लियर हुआ होगा यहाँ पर आप लिख लीजिए 10 ए इक्वल टू होता है साइन ए डिवाइड बाय कॉस इसी फॉर्मूले से हमने इसको लिखा 10 तो ये a की वैल्यू 27 कर रहे तो ये आया यहां पर 1 इक्वल टू कितना होता है 1045 लिख सकते हैं 1 को 1045 1027 फिर यहां 1 को 1045 1045 डिग्री माइनस 10 27 यहाँ पर लिख दीजिए 1 इक्वल टू 1045 1 इक्वल टू 1045 होता है या 1045 इक्वल टू 1 वो था द सेम यहाँ पे हमने ये लिख दिया अब इसमें कोरोनरी आइडेंटिटी लग जाएगी 10 वाली यहाँ वाली आइडेंटिटी लगेगी तो क्या होगा 10 45 प्लस 27 डिग्री ठीक है तो यहाँ पे आप देखिए कमेंट लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे जो भी हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं यहाँ क्या होगा 10 ए प्लस बी इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी ठीक है नहीं यहाँ पे थोड़ा सा एक ये कर लीजिएगा यहाँ पर 1 एज इट इज रखिएगा 10 1045 कर दीजिए ठीक है 1045 1 माइनस 10 ए 10 बी देखो हमने ये कमेंट लिखने की हैबिट बना के रखा तो हमको इधर मिस्टेक समझ पे आ गई कि हमने 1 की वैल्यू यहाँ चेंज नहीं करना है 1 को एज इट इज ऊपर 1 चेंज करना है नीचे 1 को एज इट इज लिख के क्योंकि कोई भी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ना 1 इंटू 10 27 1 इंटू 2 लिख सकते हैं 1 की वैल्यू यहाँ लिख दिया हमने 45 इस 1 की वैल्यू तो ये आ गई बाय दिस आइडेंटिटी ठीक है
तो यहाँ पे आप देखिएगा ये कितना आ रहा है 10 72 आ रहा है 72 डिग्री, ये रिप्रेजेंट कर रहा है RHS, यहाँ पे बोलेंगे हेंस फ्रूट सोना 10 72 लाना था ना आपको राइट हैंड साइड। तो ये आपका कॉन्सेप्ट सिंपल इस के लिए क्लियर हो गया होगा, हर प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है कि कहाँ पे कौन सी चीज आ रही है, हमने कमेंट्स लिख दिया है और आपको समझा दिया है, गॉट इट। तो इसको ध्यान में रखिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इस पे डिपेंडेंट प्रॉब्लम है वो आप कर सकते हैं यूजिंग दीज आइडेंटिटी। याद रखना ये आइडेंटिटी भी काफी इम्पोर्टेंट है, इनका यूज 11th में, 12th में, JEE में, NEET में, सभी जगह CET में, सभी जगह यूज होगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट अच्छे से बना के रखिएगा, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए पहले।